Hey guys, welcome to another episode of Geeky News. मेरा अभिनीत भारद्वाज एंड काफी सारे नए ट्रेलर हमको देखने को मिले इस हफ्ते ग्लैडिएटर 2 का, उसके बाद फिर HBO Max की सीरीज है द लास्ट ऑफ अस सीजन 2 का ट्रेलर देखने को मिला, बैलेरिना का एंड ऑफ कोर्स चेरी ऑन द केक थंडरबोल्ट्स का हमको फर्स्ट ऑफिशियल टीजर ट्रेलर देखने को मिला जो कि 3.5 मिनट का था टीजर ट्रेलर। इसके साथ काफी कुछ नए एक्साइटिंग अपडेट्स हैं। फाइनली डिसाइड हो चुका है कि DCU में ग्रीन लैंटर्न कौन प्ले करने जा रहे हैं, प्लस बैटमैन को ऑफिशियली गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड उसका नाम आ चुका है एज अ फर्स्ट सुपर हीरो टू रिसीव हॉल ऑफ फेम। प्लस इसी के साथ साथ टॉम हॉलैंड के स्पाइडरमैन का कितना इंपॉर्टेंट रोल होने वाला है इन एवेंजर्स डूम्सडे एंड सीक्रेट वॉर्स, इसके बारे में भी हमें कुछ पता चले। तो काफी सारे अपडेट्स आप सभी से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज आप लोग वीडियो स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जरूर देखना सो दैट यू डोंट मिस एनी अपडेट। तो चलिए फिर विदाउट वेस्टिंग इन टाइम लेट्स बिगिन द शो। न्यूज नंबर 1, ऑफ कोर्स हमको इस वीक में हमको देखने मिला थंडरबोल्ट्स का ऑफिशियल टीजर ट्रेलर जो कि फिल्म रिलीज हो रही है 2 मई 2025 को, एंड इसका मोस्ट प्रोबेबली जो नेक्स्ट ऑफिशियल ट्रेलर होगा रिलीज वो मुझे ऐसा लगता है कुछ दिसंबर जनवरी के आसपास रिलीज होगा, और एक फाइनल ट्रेलर रिलीज होगा समवेयर अराउंड मार्च एंड अप्रैल जब मूवी रिलीज होने वाली होगी इसके आसपास, एंड फिर मल्टीपल वेरियस क्लिप्स जो कि फिल्म्स के होते हैं ऑफकोर्स। प्लस इसके साथ साथ कैप्टन अमेरिका 4 का भी हमको फर्स्ट ऑफिशियल ट्रेलर कंप्लीट ट्रेलर जल्दी मिलने वाला है जिसमें हम हैरिसन फोर्ड के हल्क को रेड हल्क को ज्यादा फुटेज का देखेंगे, एंड मोस्ट प्रोबेबली ना ये वही ट्रेलर होगा या फिर उस ट्रेलर का एक्सटेंडेड वर्जन होगा जो कि सैन डिएगो कॉमिक कॉन में ऑडियंस को दिखाया गया था। नेक्स्ट न्यूज, वेनम द लास्ट डांस है वेनम 3 जो कि फाइनल फिल्म होने वाली है वेनम फ्रेंचाइजी। इसका जो रन टाइम है वो है ऑफिशियली 1 hour 50 minutes इंक्लूडिंग द मिड क्रेडिट फिर पोस्ट क्रेडिट सीन जो भी होने वाला है। वैसे तो बताया गया कि एक ही सीन होगा, अब चाहे फिर मिड क्रेडिट के बाद आए या फिर पोस्ट क्रेडिट के बाद आए वो तो खैर आने वाले वक्त ही हमको बताएगा, लेकिन अगर 1 hour 50 minutes की फिल्म है तो उस फिल्म का अलग अलग कॉन्टेंट होने वाला है कुछ 1 hour 40 minutes का। यूजुअली वेनम की फिल्म इतनी होती है, एक विलन होता है वेनम उसको हराता है, ज्यादा कुछ कॉन्टेंट होता नहीं है फिल्म में, बड़ी सिंपल साधारण सी कहानी होती है एडी ब्रॉक को कि इसे एक नए पैरासाइट से लड़ने। तो 1 hour 50 minutes आई थिंक इज सफिशियंट, मतलब कॉन्टेंट की बात की जाए फिल्म की तो 1 hour 40 minutes के आसपास कॉन्टेंट है विच इज आई थिंक फाइन, ज्यादा भी हो सकती थी बट हो सकता फिर कॉन्टेंट में या क्वालिटी में दिक्कत है। डेडपूल एंड वोल्वेरिन को यहाँ पे मार्वल स्टूडियोज अपनी तरफ से मल्टीपल चीजों के लिए मल्टीपल ऑप्शंस के लिए मल्टीपल नॉमिनेशन भेज रहा है फॉर द ऑस्कर्स विच इंक्लूड्स VFX, ह्यूग जैकमैन एंड रायन रेनॉल्ड्स की परफॉर्मेंस, प्रोडक्शन डिजाइन, बेस्ट एक्टर इन कॉमेडी और म्यूजिकल रायन रेनॉल्ड्स मैंने आपको बताया, बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर ह्यूग जैकमैन के लिए गोल्डन ग्लोब्स, सिनेमैटिक एंड बॉक्स ऑफिस अचीवमेंट। तो काफी नॉमिनेशन भेज रहा है मार्वल स्टूडियोज अपनी तरफ से फॉर द फिल्म डेडपूल एंड वोल्वेरिन, लेकिन इसमें यहाँ पे मिक्स रिव्यूज मिल रहे हैं, बट एनीवे लेट्स सी व्हाट द फ्यूचर होल्ड्स। अब बात करते हैं एगाथा ऑल अलोंग की, तो वैसे तो इसको मीडियोकर रिव्यूज मिल रहा है बट अगर आप इसको स्पूकी पर्सपेक्टिव से देखें शो करेंगे ना तो शो अच्छा लगेगा, जैसे 90s की कुछ फिल्म्स है ना फोकस फोकस हो गई या फिर हैलोवीन टाउन हो गई, अगर उस पर्सपेक्टिव से विचक्राफ्ट के पर्सपेक्टिव से शो को देखेंगे तो काफी इंटरेस्टिंग शो है, जेन्युइनली काफी इंटरेस्टिंग शो है, एंड इसमें एक जो जगह तो काफी डर भी लगता है। तो अभी तक तो मैंने शो को एंजॉय किया है, आई होप फ्यूचर में भी अच्छा हो। द पॉइंट इज मेफिस्टो का फाइनल जिक्र हो चुका है जो कि 2021 से कॉन्ट्रोवर्सी स्टार्ट हुई थी कि मेफिस्टो होने वाले वांडा विजन, बट फाइनली उसको यहाँ पे आप लेके आ रहे हैं। तो ऐसा डिस्कशन चल रहा है जो बच्चा है ना फिर जो टीन है ना वो मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है कि वो एगाथा का ही बेटा है एंड वो मेफिस्टो के लिए काम कर रहे हैं, या फिर वो खुद ही मेफिस्टो है, और जो भी है उसकी रियलिटी क्या है वो हमको फाइनल एपिसोड में पता चलेगी विच हैपेंस टू बी द लास्ट टू एपिसोड्स एक साथ रिलीज होने वाले हैं। प्लस गाइस इसके साथ साथ ना गोस्ट राइडर को लेकर काफी ज्यादा बातचीत चलती है कि शायद उसको MCU में इंक्लूड किया जाए, मे बी इन सीक्रेट वॉर्स, मे बी डूम्स डे, बट मुझे ऐसा लगता है कि निकोलस केज का गोस्ट राइडर को समहाउ इनकॉर्पोरेट किया जाएगा, हो सकता है सीक्रेट वॉर्स में किया जाए, बिकॉज सीक्रेट वॉर्स में ना जितने आज तक मार्वल के सुपर हीरोज हैं 90s के हो गए 2000s 2010s 20s के जितने भी आज तक मार्वल के सुपर हीरोज आए हैं फिल्म्स में लाइव एक्शन में उनको तो लेके आने ही वाले हैं, तो काफी चांसेस है कि गोस्ट राइडर हमको फाइनली सीक्रेट वॉर्स में देखने के लिए मिले। आप लोग देखना चाहते हैं गोस्ट राइडर को या नहीं प्लीज वो कमेंट करके जरूर बताना। अब बात करते हैं टॉम हॉलैंड के स्पाइडरमैन को लेके, तो जैसे होमकमिंग ट्रिलॉजी थी ना स्पाइडरमैन होमकमिंग फिर आई फार फ्रॉम होम फिर नो वे होम, अब सिमिलरली 4, 5 और 6 भी आने वाले, तो मतलब टॉम हॉलैंड के भी 3 फिल्म और रहेंगी, ठीक है वो भी एक नई ट्रिलॉजी बनेगी 4, 5, 6, और उसी के साथ स्पाइडरमैन 4 तो एनीवे आ रही थी, और उसी के साथ साथ जो साइड प्रोजेक्ट्स हो गए जैसे कि सीक्रेट वॉर्स हो गया डूम्स डे हो गया इसमें तो अपीयर हो गया होगा, प्लस इसके साथ साथ बातचीत चल रही है कि सोनी और मार्वल फिर से कोलैबोरेट करने वाले हैं जहाँ पे माइल्स मोरालेस को लेके आएंगे, और माइल्स मोरालेस की जो अगर फिल्म आएगी तो उसमें ऑफकोर्स टॉम हॉलैंड का स्पाइडरमैन होगा जो कि उसका मेंटर का काम करेगा, एंड हो सकता है कि फिर उसकी लेगेसी कंटिन्यू की जाए माइल्स मोरालेस की एंड टॉम हॉलैंड का जो पीटर पार्कर उसको रिटायर कर दिया जाएगा। इसके साथ गाइस पता चलती है बात कि स्पाइडरमैन का रोल ना टॉम हॉलैंड स्पाइडरमैन का रोल ना सीक्रेट वॉर डूम्स डे में काफी सिग्निफिकेंट होने वाला है, नॉट एक्जैक्टली सीक्रेट वॉर बट डूम्स डे में तो डेफिनेटली होने वाला है क्योंकि सीक्रेट वॉर से मोस्ट प्रोबेबली जो स्पाइडरमैन इंपॉर्टेंट होने वाला है दैट इज गोइंग टू बी टॉप मेकर स्पाइडरमैन Who is going to team up with Hugh Jackman का Wolverine, जो कि हम लोग देखना चाहते थे। और आपने मल्टीपल टीम्स होंगी जो कि अलग अलग वेरियंट से लड़ेंगी
ऑफ डूम, डॉक्टर डूम। डॉक्टर डूम के भी मल्टीपल टीम्स होने वाले, इसमें डॉक्टर डूम के भी अलग अलग वेरिएंट होने वाले हैं। एंड जो प्राइम डॉक्टर डूम है वो ऑफ कोर्स रॉबर्ट डाउनी जूनियर ही है। तो कुछ ऐसा होगा कि अलग अलग जगह पे मल्टीपल टीम्स हैं डॉक्टर डूम की, जिससे एक स्पाइडरमैन लीड कर रहा है, दूसरा स्पाइडरमैन लीड कर रहा है, फिर एक जगह ह्यूग जैकमैन, एक जगह एक्समैन की टीम लीड करी। तो ऐसा कुछ होने वाला जो फाइनल बैटल होने वाली है, ऑफ कोर्स अपने एवेंजर्स तो है ही है। इसके साथ साथ गाइस जो हमको ट्रेलर देखने मिले इस हफ्ते में, दैट इज ग्लैडिएटर 2। अगर आप लोगों ने ग्लैडिएटर फिल्म देखी है तो डेफिनेटली दिस लुक्स अमेजिंग। पेड्रो पास्कल अब हर जगह है, पेड्रो पास्कल लिटरली एवरीवेयर। मार्वल में आ चुके हैं, लास्ट ऑफ अस में आ चुके हैं, एंड ग्लैडिएटर में आ रहे हैं। तो बट ही इज एन अमेजिंग एक्टर, विदाउट एनी डाउट ही इज एन अमेजिंग एक्टर। तो ग्लैडिएटर 2 का भी ट्रेलर आया, काफी अच्छा है। नवंबर ये फिल्म रिलीज हो रही है। अब गाइस जो चेरी इन द टॉप जो कि ट्रेलर रिलीज हुआ, दैट इज बैलरीना, जो कि जिसमें स्टार करती है एना डे आर्मास। एंड ये फिल्म स्पिन ऑफ है जॉन विक की। लेकिन आपने कंफ्यूजन है कि जॉन विक चैप्टर 4 से पहले एग्जिस्ट करते हैं और जॉन विक चैप्टर 4 के बाद, बिकॉज जॉन विक चैप्टर 4 के एंड में हमको दिखाया काइंड ऑफ एक फेयरवेल मिला जॉन विक। अब मुझे लगता नहीं कि जॉन विक को इतनी इजीली वो मारेंगे, क्योंकि जॉन विक इज सच अ प्राइम कैरेक्टर, इतना पसंद करते हैं, तो जॉन विक को मारना तो इतना डिफिकल्ट है अभी। बट हो सकता है जॉन विक चैप्टर 3 और 4 के बीच की कहानी हो, एंड में जॉन विक यानी कि कियानो रीव्स का केमियो भी है फिल्म में, एक्सटेंडेड केमियो होगा, जहाँ पे मोस्ट ऑफ लास्ट की बैटल होगी, साथ में लड़ेंगे। तो इस फिल्म का भी एक्शन बहुत तगड़ा है, बहुत फाड़ है, ये फिल्म भी एकदम थिएटर वर्दी। आपको कैसा लगा ट्रेलर मुझे प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं। एंड ऑफ कोर्स हमको द लास्ट ऑफ अस सीजन 2 का भी ट्रेलर हमको फर्स्ट देखने मिला, टीजर ट्रेलर देखने मिला एचबीओ मैक्स में। ये भी नेक्स्ट ईयर 2025 में रिलीज हुआ। तो 2025 में ना काफी कुछ कंटेंट आने वाले हैं। डीसीयू की शुरुआत हो रही है सुपरमैन से, उस सारे 3 फिल्म्स मार्वल की आ रही है, मार्वल के और भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम मार्वल एंड डीसी और भी मेजर प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं जो कि नेक्स्ट रिलीज हो रहे हैं। तो 2025 इज फुल ऑफ फिल्म्स एंड गुड एंड ग्रेट कंटेंट। नेक्स्ट न्यूज गाइस, काफी सैड न्यूज, प्रोफेसर मैकगोनिगल या फिर एक्ट्रेस मैगी स्मिथ इज नो मोर। प्रोफेसर मैकगोनिगल ने रोल प्ले कर रही है हैरी पॉटर में, एंड हैरी पॉटर के मतलब तो मोस्ट बिलवड कैरेक्टर्स जो थे ना वो प्रोफेसर मैकगोनिगल थी। प्रोफेसर मैकगोनिगल ने हैरी पॉटर को, हैरी को उनकी फर्स्ट निम्बस 2000 जो ब्रूम थी वो दी थी। मे आर सोल रेस्ट इन पीस। इसके बाद गाइस फाइनली बैटमैन का इतिहास में नाम लिखा जा चुका है। बैटमैन इज द फर्स्ट सुपर हीरो, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी नाम आ चुका है। बैटमैन इज द फर्स्ट सुपर हीरो, इसको हॉल ऑफ फेम मिल रहा है। बट ही इज नॉट द फर्स्ट फिक्शनल कैरेक्टर, फर्स्ट फिक्शनल कैरेक्टर नहीं है, इससे पहले गॉडज़िला को भी मिल चुका है और भी कुछ कैरेक्टर्स को मिल चुका है, आपको बता चुका हूँ, लेकिन फर्स्ट सुपर हीरो बैटमैन है। तो यहाँ से ना एक दरवाजे खुल चुके हैं कि और भी सुपर हीरोज़ का फ्यूचर में नाम आने वाला है। एंड मुझे लगता है सुपरमैन को सबसे पहले आना ही चाहिए था। सुपरमैन लाइक मोस्ट आइकॉनिक सुपर हीरो, वर्ल्ड का फर्स्ट सुपर हीरो है सुपरमैन। या फिर हम सुपर हीरोज़ के बारे में सोचते हैं सुपरमैन दिमाग में आता ही है। तो मुझे लगता है सुपरमैन का भी नाम बहुत जल्दी आ जाएगा मोस्ट ऑफ नेक्स्ट ईयर के बाद, क्योंकि एक बार डीसीयू में फिल्म रिलीज हुआ सुपरमैन लेगेसी, उसके बाद फिर सुपरमैन भी एक बार फिर से छत्र छाव में आ जाएगा, लोग उसे देखने लगेंगे। इसके साथ साथ गाइस रॉक स्टडी गेम्स, जिन्होंने बैटमैन आर्कम सीरीज बनाई है, उसका रिसेंटली जो आया गेम विच नॉट परफॉर्म दैट वेल, सुसाइड स्क्वाड वर्सेस जस्टिस लीग, फाइनली यहाँ पे बैटमैन का एक प्रॉपर गेम डेवलप किया जा रहा है रॉक स्टडी के द्वारा, जो की 2026-2027 तक रिलीज होगा। यानी आर्कम नाइट के आगे की ही कहानी होगी। लेकिन ऑफकोर्स केविन कॉनरॉय इसमें वॉइस ओवर नहीं दे पाएंगे, बिकॉज अनफॉर्चुनेटली इज नो मोर विद अस। बट आर्कम सीरीज को अभी आगे कैसे लेके जाते हैं वो एक इंटरेस्टिंग टेक होने वाला है। नेक्स्ट न्यूज गाइस, अभी जोकर 2 के प्रमोशन चले तो लेडी गागा से पूछा गया था अगर उनके हार्ले क्विन का बैटमैन से एनकाउंटर होगा तो क्या करेंगी। तो उन्होंने कहा कि लेडी गागा का जो कैरेक्टर, हार्ले क्विन जो शॉर्ट कैरेक्टर है, वो डेफिनेटली बैटमैन के ऊपर आग लगा देगी, एंड हार्ले क्विन से ऐसा एक्सपेक्ट भी कर सकते हैं। इसके साथ गाइस पेंगुइन का जस्ट अभी फर्स्ट एपिसोड आया, उसने ऑलरेडी व्यूअरशिप में बीट कर दिया है द लास्ट ऑफ अस को, एंड पेंगुइन को बहुत ज्यादा प्यार मिला शो को, जस्ट फर्स्ट एपिसोड आया अभी। एंड वैसे मुझे पता था शो अच्छा जाएगा, इनफैक्ट वी ऑल न्यू दैट दिस शो इज गोइंग टू वेरी गुड, बिकॉज मैट रीव्स के वर्ल्ड, फिर जो मैट रीव्स का द बैटमैन यूनिवर्स ना उसमें सेट किया गया। बट मुझे बहुत डर लग रहा है कि समहाउ बैटमैन का रेफरेंस तो आएगा ही आएगा, एटलीस्ट लास्ट एपिसोड के बीच में, इफ लास्ट एपिसोड तक मे बी। अगर रॉ पैटर्न का बैटमैन एज ब्रूस वेन भी ना अपीयर होना, बैटमैन को तो छोड़िए, एज ब्रूस वेन भी ना अपीयर होना, तो लास्ट में ऐसा लगता है कि वो सिंबल ऑन हो जाएगा, उसका लोगो ऑन हो जाएगा, एंड वहाँ से फिल्म कंटिन्यू होगी, फिर वहाँ से द बैट पार्ट 2 शुरू, कुछ मुझे ऐसा लगता है। एंड गाइस उसकी फाइनली यूजर फाइनली अनाउंस कर देगा कि नेक्स्ट ग्रीन लैंटर्न कौन होने वाला है, एंड ही इज गोइंग टू बी नन अदर दैन काइल चैंडलर। ही इज 59 ईयर्स ओल्ड राइट नाउ, प्रॉब्ली जब तक ये शो आएगा 60-61 के हो जाएंगे। बट मैं आपको बता दूँ हैल जॉर्डन का रोल प्ले कर रहे हैं, सब लोग यहाँ पर सोचते हैं इतने एजेड हैल जॉर्डन क्यों ले आ रहे, बिकॉज हैल जॉर्डन से ज़्यादा फोकस ये कहानी ना एक रूकी पे होगी जो कि है जॉन स्टीवर्ट। हैल जॉर्डन यहाँ पे कैसे ट्रेन करता है जॉन स्टीवर्ट, एंड जॉन स्टीवर्ट इज गोइंग टू बी द पार्ट ऑफ द मेन जस्टिस लीग, एंड मोस्ट प्रॉब्ली हैल जॉर्डन की डेथ हो जाएगी, उसको रिटायर कर देंगे, तो इसलिए यहाँ पे एक एजेड हैल जॉर्डन को लिया गया है। इससे पहले काफी फेमस फिल्म्स में भी आ चुके हैं, जैसे आर्गो, जियो डार्क 30 एंड मैनचेस्टर बाय द सी, द वुल्फ ऑफ द वॉल स्ट्रीट, एंड ऑफ कोर्स गॉडज़िला वर्सेस कॉन्ग। तो कैसी लगी आपको इनकी कास्टिंग, प्लीज मैं कॉमेंट करके जरूर बताइए। तो गाइस ये था आज की वीडियो, ये था आज का एपिसोड, आई होप आपको मजा आया, आपके जो भी थॉट्स इस वीडियो से रिलेटेड हो जाके प्लीज कॉमेंट करके जरूर बताइए।
और अगर आप सब यहाँ इंस्टाग्राम ट्विटर पर जुड़ना चाहते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, नहीं तो मेरे यूजर नेम यहाँ पे लिखवा रहा है, चाहे तो फॉलो कर सकते हैं। मिलते हैं आप सभी से अगली वीडियो में, ख्याल रखें, ऑलवेज रिमेंबर यू ऑल आर सुपर हीरोज, लाइफ में अच्छा करिए आगे। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय।